तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं कोरबा के फेमस पार्क में, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये है इसका एंट्री गेट, तो चलिए आपको लेके चलते हैं अंदर। हेलो दोस्तों, मैं सुनील यादव हूँ, सुनील यादव ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। वेलकम बैक मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज हम जा रहे हैं कोरबा के एक फेमस जगह में, तो चलिए आपको लेके चलता हूँ, शुरू करते हैं। आप आगे जाएंगे तो भवानी मंदिर के लिए रास्ता है और दर्रे डैम के लिए, तो मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में मैं।
खूबसूरत है, पूरा लाइटिंग से यहाँ को सजाया गया है। और दोस्तों कोरबा से यह इसकी दूरी है लगभग 5 किलोमीटर के आसपास और काफ़ी भीड़ भाड़ है, देख सकते हैं। से यहां सजाया गया है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पूरा लाइटिंग से पूरा सजाया गया है। और आप सोच रहे होंगे ये वीडियो तो शाम को शूट हो रहा था तो अचानक सीधा रात को कैसे आ गया, तो आपको बताना चाहूँगा मैं कि मेरे को कुछ यहाँ काम था कोहड़िया में, इसलिए मैं रुका हुआ था। तो इसलिए मैं आपको लाइटिंग के कारण आपको रात को दिखा रहा हूँ यहाँ को, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा, काफ़ी क्राउड है लाइटिंग के कारण। और ये कोरबा का फेमस सेल्फी जोन बन चुका है अभी, क्योंकि अभी नया नया हाल ही बना है। तो चलिए दिखाता हूँ आपको मैं। तो दोस्तों हमें यहाँ पर सभी सब्सक्राइबर भाई मिले हुए हैं। भाई अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम अरबाज है। और आपका? सिद्धार्थ है। तो भाई लोग मेरे को मिले, काफ़ी अच्छा लगा। चैनल को आइकन दबा के प्रेस कर दे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं। और दोस्तों ये जगह कैसा लगा आपको? एक नंबर लगा भैया। दोस्तों ये है कोरबा का फेमस सेल्फी जोन, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसी के लिए लोग बाग काफ़ी दूर दूर से देखने के लिए आ रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। फोटो वोटो खिंचाने के लिए, सेल्फी के लिए, जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये है यहाँ का नज़ारा। तो दोस्तों वीडियो यदि पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। चलिए।